मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे। घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए। बच्चों, हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, हमारा कौन सा था? फिजिकल डिवीजन का था। मैप फिल किया था हमने इंडिया का, और उसके अंदर हमने इंडिया के फिजिकल डिवीजन पढ़े थे। तो बच्चों, सबको घूमना अच्छा लगता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है माउंटेन। सबको अच्छा लगता है ना? और आपको पता होना चाहिए, अभी आप फोर्थ क्लास में आए तो सोशल स्टडीज क्या होता है, जहां पर हम रह रहे हैं, हम कौन से स्टेट में हैं, हमारे आसपास में क्या कौन से क्या डिवीजन है हमारी कंट्री के बारे में, हम सब चीजें पढ़ना, खाना पीना, वेजिटेशन है हमारे, ये कल्चर है, वो सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं? हम SST में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चो, SST यानी सोशल स्टडीज। सोशल मतलब समाज के बारे में, सामाजिक अध्ययन। समाज में क्या होता है हमारा, हम क्या खाते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते हैं, कौन क्या उगाया जाता है, या फिर क्या पहना जाता है, क्या बोला जाता है, वहाँ पे किस तरह का व्यापार किया जाता है। तो ये सारी चीज किसके अंदर आती है? हमारे सोशल स्टडीज के अंदर आती है। और इसके अंदर ये भी आता है कि हमारी जो सरकार होती है वो कैसी चलती है। तो कई चीजें हैं ये उसमें किसके अंडर आता है, हमारा सोशल स्टडीज के बारे में। तो हमने इसके लिए सोशल स्टडीज में हमने पहला चैप्टर हमारा क्या था इंडिया आवर कंट्री। ओके, अब हम और इसी में हमने पहले मैप फिल किया था। नेक्स्ट स्टेप हमने इंडिया का फिजिकल डिवीजन का मैप फिल किया था। फिजिकल डिवीजन को हमने किसको, इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5 में डिवाइड किया था। और हमारा जो पहला क्या था, द नॉर्थन माउंटेन। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉर्थन माउंटेन में किसका है, नॉर्थ में माउंटेन है। अभी देखो, हम माउंटेन पे घूमना सबको अच्छा लगता है ना? तो चलो, अब की बार जो हमारा चैप्टर है वो माउंटेन के बारे में है, और हम देखते हैं कि हमारा जो माउंटेन है, जो नॉर्थन माउंटेन है, वो कौन कौन सा स्टेट कवर करता है। ओके, मतलब जो नॉर्थन माउंटेन है वो कौन कौन से स्टेट में है, ठीक है, और वहां का खाना पीना, वेजिटेशन वगैरह, तो ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। हमें अब ये देख लेते हैं दोबारा, हमारे चैप्टर का नाम है द नॉर्थन माउंटेन। हम इसे पढ़ेंगे द नॉर्थन माउंटेन की लोकेशंस क्या है, और जो इसके अंडर माउंटेन के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स है, ठीक, कौन कौन सी चोटें, जो माउंटेन है उनमें सबसे हाईएस्ट वे अगर कौन कौन सी पीक है, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट होती बच्चों कि वहां का मौसम कैसा होता है, जैसे साल भर कैसा होता है, गर्मी होती है या सर्दी होती है। और वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ होते हैं वहां के जीव जंतु माउंटेन्स के अंदर, वहां पर नॉर्थ माउंट स्टेट में कौन कौन से क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, वेजिटेशन होती है वहां के कौन कौन से पेड़ होते हैं, कौन कौन से किस टाइप के हमारे वहां पे वनस्पति होती है बच्चों, जहां पर क्या कैसे वहां पेड़ पौधे क्या क्या फसलें उगाई जाती है, ये इस टाइप की है वेजिटेशन, कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या। तो ये हम सब चीज किसे पढ़ेंगे, नॉर्थन माउंटेन्स में। और क्या हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, आपको पता होगा कि जो नॉर्थन माउंटेन है वो किसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय को बोलते हैं। अब ग्रेट हिमालय है तो इसका इम्पोर्टेंस भी है, अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। इसके लिए हम ये अपने चैप्टर पे आ जाते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है सेकंड, द नॉर्थन माउंटेन्स। तो नॉर्थन माउंटेन्स में हमने ये फिजिकल डिवीजन, हमने अपना फिजिकल डिवीजन किया था ना ये, तो सबसे पहले पे क्या था, द नॉर्थन माउंटेन्स। इसके अंदर भी हमने किया था जो पहला चैप्टर था, इसके अंदर क्या था, द नॉर्थन माउंटेन्स, और हमने मैप फिल किया था फिजिकल डिवीजन का, ठीक है। अब हम इसको जो कौन कौन से इसके अंदर स्टेट कवर हुए हैं जो नॉर्थन माउंटेन्स के अंदर, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है सेकंड, द नॉर्थन माउंटेन। नॉर्थन माउंटेन कहां से एक्सटेंड होते हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ये यहां से, ओके, और आगे आप यहां से चलोगे, ये इधर कवर होते होते होते, और ये इधर से अरुणाचल प्रदेश, फिर ये वाले स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्लियर हम एक यहां पर भी दिखाते हैं आपको, यहां पर ये यहां से
जम्मू कश्मीर से, फिर उत्तराखंड हिमाचल, इधर हिमाचल फिर उत्तराखंड आ जाता है, फिर इधर सिक्किम और नेपाल के इधर से गए, भूटान के इधर से जाते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर ये हमारे दूसरे स्टेट्स आ जाते हैं इधर, ये सब। इसलिए इधर नॉर्थ है ये और ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट है, ये नॉर्थ है और इधर ये ईस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसलिए नॉर्थन माउंटेन, दोनों आ गया ना, नॉर्थ भी और ईस्ट भी, ईस्ट भी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थन माउंटेन्स, ये ऐसे है। और इसकी शेप कैसी है, कर्व है, कर्व जैसे सी बनाते हैं ऐसे, ऐसी है ना इसकी शेप। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर के बारे में, ध्यान से सुनना बच्चों इसको, इस चैप्टर को, ठीक है, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, और आपको ये भी पता चल जाएगा जब हम यहाँ पर है आपकी स्टेट में बैठे हो, ठीक है, और ये नॉर्थन माउंटेन कितनी दूर है और कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या यहाँ पे, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, द नॉर्थन माउंटेन इज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में है ना, अभी दिखाया था, एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है ना, ये वेस्ट है तो नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है और नॉर्थ ईस्ट तक है ये, ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, द हिमालय, किसके अंदर, इसके अंदर क्या क्या है, द हिमालय, द क्राकोरम माउंटेन, द क्राकोरम माउंटेन्स एंड द नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन रेंज, नॉर्थन नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज, ओके। अब देखो आप यहां पर, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ साथ साथ, ये यहां पर देखो आप, एक तो इसके अंदर क्या है, ये वाला हिस्सा क्राकोरम का, ऊपर वाला हिस्सा क्राकोरम का, हमने जो हमारे ये पूरा पूरा है, ये जो ब्राउन, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इतने हिस्से में ये पहला वाला हिस्सा रह गया इतने में, फिर ये आगे वाला हिस्सा हमने इसको टू पार्ट में डिवाइड कर, टू पार्ट में क्या है ये सेकंड नंबर पे कर दिया, और ये वाला हिस्सा कर दिया हमने थर्ड में, वन वन टू थ्री, इन तीनों को मिला के क्या बन गया, द नॉर्थन माउंटेन। अब आ जाता है क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्थन माउंटेन के अंदर, ठीक है, तो किससे नॉर्थन माउंटेन बना, किस किससे बना नॉर्थन माउंटेन, द कराकोरम, द हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज, ये है ना सब, ये है इधर से, इन सब से क्या बना है, इन तीनों से क्या बना, द नॉर्थन माउंटेन, ठीक है। आपको ये मैप भी फिल करना साथ साथ ही, इतना ही, इतना पोर्शन। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा नॉर्थन माउंटेन है वो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होता है और कहां तक है, नॉर्थ ईस्ट तक है, और इसके अंदर कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, इसके अंदर द हिमालय, द कराकोरम माउंटेन एंड द नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन रेंज आर टुगेदर कॉल्ड द नॉर्थन माउंटेन। जब ये तीनों मिल जाते, वन टू और थ्री वाला वो हिस्सा, तो ये तीनों इससे क्या हो गया, द नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन माउंटेन्स। अब हम पढ़ लेते इस पहले वाले हिस्से का, ये क्या है, क्राकोरम रेंज, क्या है, क्राकोरम रेंज। रेंज क्या होता है बच्चों, जो बहुत सारे माउंटेन इकट्ठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज, ठीक है। द क्राकोरम रेंज रेंजेस लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय, ये हिमालय है ना, ये हिमालय है, हिमालय के कौन सा है, ये वेस्ट साइड में है ना, वेस्ट साइड में, हम बताएंगे ना पहले क्राकोरम किस डायरेक्शन में है, तो क्या बताएंगे, जो ग्रेट हिमालय है, जो हिमालय है इसके वेस्ट साइड में है, क्या,
क्राकोरम रेंज, क्या नहीं ये लिखा है क्राकोरम रेंज, ओके। माउंट गोडविन अस्टिन अस्टेन आल्सो नोन एज के टू, इस क्राकोरम रेंज को क्या बोलते हैं, के टू भी बोलते, के से क्राकोरम के टू, और इसको क्या नाम है इसका, माउंट गोडविन अस्टिन अस्टेन, इसके दो नाम हो गए ना, एक तो क्राकोरम हो गया, एक के टू हो गया और एक गोडविन भी हो गया, ठीक है। अब आपको बोल दे के टू और माउंट, ये क्या है माउंट गोडविन अस्टेन, तो ये क्या, ये आप क्या बोलोगे, ये दोनों एक ही है, इसके ये नाम तीन है। इन द दिस रेंज इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की सेकेंड दूसरे नंबर की बड़ी चोटी है। सबसे बड़ी पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़ी पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और सेकेंड नंबर की वर्ल्ड की कौन सी है, के टू, समझ में आ रहा है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट है क्राकोरम रेंज कर लिया, इसके अंदर क्या करे किया हमने, ये हिमालय के नॉर्थ वेस्ट में है, और इसको इसका क्या नाम है, के टू भी बोलते हैं, और इसका क्या नाम, माउंट गोडविन एस्टीन भी है, और ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तीन चीज की है ना इसके अंदर, चार चीजें। अब आ जाता है हिमालय, हिमालय ये है हमारा, ये हिमालय, ये क्या था क्राकोरम रेंज, ये क्या हमारा हिमालय। अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, क्या है हिमालय, ओके। द हिमालय एक्सटेंड इन ए लॉन्ग कर्व फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अब हिमालय जो कहां से एक्सटेंड होता है, इन द कहां से शुरू होता है, इन ए लॉन्ग कर्व, कर्व बताया था मैंने, कर्व शेप क्या होती है, ऐसे छोटा सा ऐसे ऐसे, जिसे क्या बोलते हैं कर्व शेप, तो ऐसे ही है इसकी शेप भी कर्व। ये कहां से, जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट, जम्मू कश्मीर वेस्ट में जम्मू कश्मीर से, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ये लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक क्या है हमारा, ये हिमालय। इट इज अबाउट 2500 किलोमीटर इन लेंथ, लंबाई में कितना है ये, 2500, 2500 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है, और इट्स वेथ, इसकी चौड़ाई, ये यहां से लेके यहां तक कितना है ये, 150 to 400 किलोमीटर, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक इसकी लंबाई कितनी है, इसकी वेथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है, 2500, और यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 150 to 400, कहीं से कम हो गया कहीं से ज्यादा है, ऐसे ही है ना, तो इसलिए क्या किया है, 150 to 400 तक है, ठीक है, इसकी चौड़ाई, इसकी वेथ। अब आ जाता है क्या, दीज रेन रन इन ए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द हिंदस टू ब्रह्मपुत्रा, दीज रेज रन इन द वेस्ट, ये रेंज कहां से स्टार्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट में, ओके, डायरेक्ट फ्रॉम हिंदस, हिंदस रिवर है ना, हिंदस रिवर है जो, ये यहां पर देखो ये रिवर है, ये हिंदस रिवर है, ठीक है, ये यहां पर देखो, ये यहां से ऊपर 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 दिखाई दिया ये ब्लू, ये हिंदस रिवर है, तो ये यहां से शुरू होता है हिंदस रिवर, ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा रिवर ये यहां पर, ये जो ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है, रिवर है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी रिवर, क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो कहां से कहां तक है ये हिंदस रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक है। ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो क्या है, हिमालय की सबसे ईस्टर्न, सबसे ईस्ट साइड की पॉइंट है ये, मार्क है ये, हिमालय के बिल्कुल लास्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, ये दिखाई दे ना सबसे लास्ट में ब्लू कलर का, ये लास्ट में यहां पर खत्म होता है हिमालय,
और इस कहाँ का इस कौन सी रिवर है यहाँ पर, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इसको भी अंडरलाइन करो, द हिमालय आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इसके साथ इनको भी अंडरलाइन करो, आपने ये भी नहीं किया था। द कराकोरम रेंज लाइ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय माउंट गोडविन एस्टिन आल्सो नोन K2। दिस रेंज इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पीक होती है चोटी, जैसे ये होती है ना ऐसे, ये वाली चोटी आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये ऊंची चोटी है ये वाली, ठीक है। इन दिस रेंज अरेंज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये जो पीक है ये वाली ये चोटी है ना, तो ये यहाँ पर ये ढलानों पर ये सारे साल क्या होता है, स्नो से कवर्ड होती है। दीज रेंज आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल क्या होती है, बर्फ से कवर्ड होती है, स्नो होता बर्फ, कवर्ड होती है ढकी हुई, ओके। इट कंटेन मैनी हाई पीक, और इसी के अंदर, किसके अंदर, हिमालय के अंदर ही बहुत सारी क्या है, बहुत सारी और पीक्स है और बहुत सारी चोटी, तो ये होगी ऐसे ही बहुत सारी और भी है। अब क्या माउंट एवरेस्ट, इसको अंडरलाइन करो, माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयस इज द हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन क्या है, अब मान लिया जाए तो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और किसके अंदर है ये, हिमालय के अंदर, ठीक है। हिमालय ऐसे ये हिमालय है ना, अब ये देखो ये हिमालय है, ये है ना, ये हिमालय है। अब इसमें ये दिखाई दे रहा छोटे 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 ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, माउंट एवरेस्ट, ध्यान से देखो बिल्कुल बिल्कुल, जो कहां पर है, नेपाल के अंदर है, नेपाल है ये, यहां पर नेपाल है ना, नेपाल के अंदर है, और बीच में ये हमारा सिक्किम है और ये इधर भूटान है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में है माउंट एवरेस्ट, नेपाल, नेपाल में है सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, क्या माउंट एवरेस्ट, ओके। अब हम पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट इज माउंट एवरेस्ट इन द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, इसकी हाइट देख लेते कितनी है, इसकी हाइट विद ए हाइट ऑफ 8,848 meters, कितना है इसकी, इसको अंडरलाइन करो, इसकी हाइट कितनी है माउंट एवरेस्ट की, 8,848 meters। इट लाई इन नेपाल, कहां पर है ये, नेपाल में। अब हम एक और इफेक्ट पढ़ लेते हैं, डू यू नो, अब आप इन दोनों पर्सन को, फेमस पर्सनैलिटी को जानते हो, देखो ये, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, द फर्स्ट पीपल टू क्लाइम, आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहले कौन चढ़ा था, नहीं पता ना, तब इनको ध्यान से देखो, द फर्स्ट पीपल टू क्लाइम द स्नो कवर्ड पीक, जो बर्फ से ढकी हुई स्नो कवर्ड पीक, जो बर्फ से ढकी हुई माउंट एवरेस्ट पर, पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट वर तेंजिंग, तेंजिंग नारगे, एक तो तेंजिंग नारगे एंड सर एडमंड हिलेरी, ये कौन सा था, तेंजिंग नारगे और कौन ये, एडमंड, सर एडमंड हिलेरी इन 1953, कब 1953 में, ये टू पर्सन हैं, इन्होंने स्नो कवर्ड पीक पर, जो कौन सी है, माउंटेन एवरेस्ट, इस पर सबसे पहले गए थे, ठीक है। कौन कौन थे, तेंजिंग नारगे एंड सर एडमंड हिलेरी। अब आ जाती इंडिया की, इंडिया की कौन गई थी सबसे पहले, 1984 में बिछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वोमैन, फर्स्ट वोमैन यानी पहली औरत कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पर, जो क्लाइम माउंट एवरेस्ट,
जो फर्स्ट वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम किया था? बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल कब? 1984 में, 1984 में जो बिछेंद्री पाल थी उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी। अब हमारा यहाँ पर नीचे देखो, अब ये यहाँ पर हमने पीक का नाम लिखा है, मतलब चोटियां लिखी, और उनकी हाइट कितनी है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है ना, ये दरिए माउंट एवरेस्ट की इतनी है, के टू सेकेंड नंबर की है, ये इतनी इतनी है इसकी, इसकी हाइट इतनी है इसकी। अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 जो सिक्स पीक है इनकी हाइट लिखी हुई है यहाँ पर। आप भी अपनी नोटबुक में एक ऐसे ही कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और जो हम अंडरलाइन करते हुए जा रहे हैं इनको आप नोटबुक में राइट करोगे। और अब हम ये पढ़ लेते हैं, जो ये माउंट एवरेस्ट है इधर, ये जो ये हमने, ये हमारा जो नॉर्थन माउंटेन है और ये ग्रेट हिमालय है, ये है ग्रेट हिमालय, ये है ना ग्रेट हिमालय। हमने इसके पहले तो हमने पूरा नॉर्थन माउंटेन के 3 पार्ट किए थे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ऐसे 3 पार्ट किए थे। अब जो हमारे हिमालय है हम इसको 3 पार्ट कर लेते, कैसे, एक तो अपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ये, फिर एक मिडल वाला होता है, बीच वाला हो जाता है, और एक सबसे लोअर हो जाता है, ठीक है। एक तो अपर वाला सबसे ऊपर वाला हो गया जहां पर पीक्स होती है ये, सेकंड वाले पर फिर हम मिडल वाला होता है, बीच वाला उसको क्या बोलते हैं, और सबसे होता है लोअर, सबसे नीचे वाला, ठीक है। अब हमने इसको हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहले तो नॉर्थन माउंटेन को किया था, कराकोरम हिमालय और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रेंज इसमें किया था, फिर हमने अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड। अब फटाफट हम इसको पढ़ लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो सबसे ऊपर वाला है जहां पर पीक होती है, चोटियां होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, ओके। और अब आ जाता है द मिडल हिमालय, मिडल होते बीच का, जो बीच वाला पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, द मिडल हिमालय, हिमालय मतलब, या फिर इसको हिमाचली बोलते, मिडल वाला क्या बोलते, हिमाचल। आपको पता है बीबी कि आपको पता है ना कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश है वो किस में आता है, मिडल हिमालय में आता है, ये इसको हिमाचली बोलते, समझ में आ गया अब आपको, हिमाचल वो किसके अंदर आता है, मिडल हिमालय को हिमाचल बोलते हैं। फिर आ जाता आउटर हिमालय, आउटर होता है जो सबसे नीचे वाला होता है, सबसे बाद वाला, मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला बिल्कुल ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, आउटर हिमालय और शिवालिक, क्या बोलेंगे, शिवालिक, ठीक है। पहले वाले को क्या, हिमाद्री, सेकंड वाले को, सेकंड पोर्शन क्या बोला हमने, हिमाचल, थर्ड वाले को शिवालिक। अब हम पढ़ लेते पहले पोर्शन को, क्या था, द ग्रेट हिमालय, द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, क्या है, नॉर्थ मोस्ट, सबसे नॉर्थ के ऊपर की जो ये नॉर्थ मोस्ट है, ये वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसके क्या बोले, इसको हिमाद्री बोलते हैं। इट इज द हाइएस्ट हिमालयन रेंज, और ये सबसे ऊंची हिमालय रेंज है। इसके अंदर कौन कौन सी जाती, कंचनजंगा इन द ग्रेटर, कंचनजंगा इन द ग्रेटर हिमालय इन द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई है, ये कंचनजंगा, इसके अंदर है, ये देखो कंचनजंगा, इसके अंदर, ये जो सिक्किम के अंदर है कंचनजंगा है। सिंस इट इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, और ये हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढकी हुई होती है, स्नो होता है बर्फ, ऑलवेज हमेशा कवर्ड होते ढके हुए। मैनी ग्लेशियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रेंज, ग्लेशियर, ग्लेशियर बच्चों आपको बात बता देते हैं, ग्लेशियर क्या होता है,
अब आप यहां पे पढ़ो, ध्यान से पढ़ना। ए ग्लेशियर इज ए ह्यूज मास ऑफ आइस, आइस दैट मूव स्लोली अलोंग द माउंटेन स्लोप। दोबारा फिर पढ़ो, ए ग्लेशियर इज ए ह्यूज मास ऑफ आइस दैट मूव स्लोली अलोंग द माउंटेन स्लोप। इसको ध्यान से देखना अभी। अब आप ये देखो, अब आपने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन, अब ये देखो ये क्या है, ये वाला स्लोप, स्लोप होता है जहां पर ये ढलान वाला हिस्सा, ये वाला ढलान वाला हिस्सा, ये वाला ढलान वाला, ये जो सारा है ये क्या ढलान वाला हिस्सा, और इसके ऊपर बहुत एक बर्फ की मोटी परत जमी हुई होती है, ठीक है। ये क्या है, ग्लेशियर, क्या है, ग्लेशियर बोलते हैं उसको, ठीक है। ग्लेशियर होती है जहां पे बर्फ जमी हुई होती है, और जो बर्फ, जो आइस, जो स्नो होती है वो मेल्ट होती, फिर वो क्या, वो पानी बन जाती है, फिर वो क्या है, उसे फॉरेस्ट माउंटेन से होते हुए रिवर्स का रूप बन जाती है, ठीक है। माउंटेन समझ में आया तो आपको आज, तो क्या है, एक ग्लेशियर ऑफ ए ह्यूज मास ऑफ आइस, आइस का एक बहुत बड़ा मास होती है, वो होता है दैट मूव स्लोली अलोंग द माउंटेन स्लोप, जो किसके किसके ऊपर होता है, माउंटेन्स के ढलान के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। द सियाचिन ग्लेशियर इन द रेंज इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोल्स, पोल्स मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। जो पोल होते हैं वहां पर हमेशा इंडिया, जो वर्ल्ड के जो हमें, जो हमारी अर्थ है उसके एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, टॉप वाला नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन्हीं पे ही उन पोल के बाद तो उस कौन पर, सियाचिन ग्लेशियर पर सबसे ज्यादा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब ये देखो ग्लेशियर, अब ये है मैनी ग्लेशियर, जब बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रेंज, ग्लेशियर कहां से निकलते हैं, इन रेंज से ही बनते हैं, ठीक है। जो बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ बोलते हैं वो कहां से बने हुए हैं, इन पर, इसी रेंज बने, किस पर, जो सबसे ऊपर होते हैं, जो हिमालय में है, जो हिमांद्री में है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, रिवर सच एज हिंदस, कौन कौन सी रिवर, हिंदस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा, कौन कौन सी रिवर, हिंदस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा, ओरिजिनेट फ्रॉम सच ग्लेशियर, इन ग्लेशियर से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड हिंदस, ओके। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जो रिवर गंगा है वो ओरिजिनेट होती कहां से निकलती है, फ्रॉम ओरिजिनेट कहां से निकलती है, वो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है बच्चों। ग्लेशियर से निकलती है, जो बड़े बड़े उसके होते हैं माउंटेन होते हैं और वहां पर स्नो कवर्ड होते हैं, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। एंड द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुना रिवर कहां से निकलती है, ओरिजिनेट होता है, कहीं से उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है, ठीक, कहां से बनती है, क्या है, यमुनोत्री से। गंगा रिवर कहां से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब आ जाता है, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड इज नोन एज द भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते, क्या बोलते इसको, भागीरथी, अंडरलाइन किया करो इनको साथ साथ, आपको याद होनी चाहिए कुछ, क्या हमने टॉपिक में क्या पढ़ा था, इट इज कॉल्ड गंगा आफ्टर इट पास देवप्रयाग, देवप्रयाग से जब ये गुजरती है तो इसका नाम क्या आ जाता है, गंगा पड़ जाता है, उससे पहले क्या बोलते हैं इसको, भागीरथी। एंड मर्ज इन द रिवर अलकनंदा, और किसके अंदर मिक्स हो जाती है, मर्ज होती थी अलकनंदा रिवर के अंदर, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बच्चों आज हमने पढ़ा माउंटेन्स
और आपको पता चल गया होगा माउंटेन कहाँ कैसे बने हैं या फिर कहाँ से कौन से स्टेट में है, कौन सी डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को साथ साथ एक बार दोबारा फिर पढ़ना, ठीक है, और आधे आधे चैप्टर के लिए हम कल इसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आप अपना घर पे अपना ध्यान रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।